बैंक से रकम उठाने का वीडियो, 1,75,000 रुपए बैग में डाल, बैंक स्टेटमेंट निकलवाने लाइन में खड़ा था, 2 मिनट में बच्चे ने किया पार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। रीवा जिले के हनुमना कस्बा स्थित SBI बैंक से एक नाबालिग चोर ने 1,75,000 रुपए की रकम उड़ाकर सनसनी फैला दी है। वारदात के बाद 10 साल के बच्चे का फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि व्यापारी के पीछे बच्चा आकर खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, फिर बैग के पीछे का चेन खोलकर सेकंडों में रुपए लेकर गायब हो जाता है। जब व्यापारी बैंक स्टेटमेंट डालने के लिए बैग को पीठ से नीचे उतारता है, तब बैग खुला मिलता है, साथ ही लाखों रुपए की रकम पार मिलती है। ऐसे में तुरंत हनुमना पुलिस को सूचना दी जाती है। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने विभिन्न CCTV कैमरों का फुटेज देखा, तब मासूम चोर की कारगुजारी दिखी है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर हनुमना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित व्यापारी ने बच्चे की पहचान बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पहाड़ी गांव का रहने वाला है किराना व्यापारी। मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर की दोपहर करीब 1 बजे किराना व्यापारी राजेश गुप्ता पुत्र राम प्रसाद गुप्ता 40 वर्ष निवासी पहाड़ी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा हनुमना पहुंचा। वहां उसने कैश काउंटर से 1,75,000 रुपए की रकम निकालकर पिट्ठू बैग में डाल दिया। इसके बाद व्यापारी ने सोचा कि बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया जाए, ऐसे में दूसरे काउंटर में जाकर बैंक स्टेटमेंट निकलवाने लगा। इसी बीच बच्चा पीछे से रैकी करता रहा। चोरी का शिकार हुआ व्यापारी राजेश गुप्ता ने तत्काल संदेश को बताया कि बैंक के अंदर 2 मिनट में गेम हुआ है। वह 1,75,000 रुपए की रकम निकालकर गांव लेकर जा रहा था। इस रकम से किराना का सामान व पुराने लोगों की उधारी देना था, साथ ही कुछ पैसे गांव के किसानों को देना था, लेकिन 10 साल के शातिर बच्चे ने पूरे व्यापार पर पानी फेर दिया है। बच्चे के सहयोग में खड़ा था एक युवक। CCTV फुटेज देखने पर पता चलता है कि शातिर बच्चे के सहयोग में एक युवक व्यापारी के बगल की लाइन में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे बैंक के अधिकारियों की पीछे बच्चे पर नजर न पड़े। वहीं व्यापारी उस युवक के खड़े होने से चौतरफा गिर गया, जिससे आसानी से बैग की रकम बच्चे ने पार कर दी है। दावा है कि गार्ड बैंक के बाहर निगरानी करता रह गया। मासूम बच्चा 1,75,000 रुपए की रकम हाथ में लेकर भाग गया।